हेलो दोस्तों, अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट से डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बैंगलोर एयरपोर्ट की फुल डिटेल्स बताऊंगा, आपके सिक्योरिटी एंट्री से लेके कोविड सिक्योरिटी प्रिकॉशंस तक, आपके बोर्डिंग पास से लेके व्हीलचेयर फैसिलिटी तक, फूड ऑप्शंस से लेके ड्यूटी फ्री शॉपिंग ऑप्शंस तक, फ्लाइट सेफ्टी किट से लेके एरोप्लेन के इनसाइड सेफ्टी प्रिकॉशंस तक और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें और नीचे दिए गए थम्स अप को भी क्लिक करके वीडियो को लाइक करें। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आप ओला, उबर या मेरो कैब की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं उनकी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाके, या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी एयरपोर्ट आ सकते हैं। अपनी फ़्लाइट के डेट और टाइम से 48 आवर्स यानी दो दिन पहले अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पर जाके वेब चेक इन जरूर कर लें। वेब चेक इन करके आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी सीट यानी विंडो, मिडल या आयल चूज़ कर सकते हैं, और इवन अपनी फूड प्रेफरेंस यानी वेज, नॉन वेज, वीगन, फ्रूट्स, ये सब भी पहले से ही एयरलाइंस को बता सकते हैं। आपकी कार जहाँ पे आपको ड्रॉप करती है वहीं पे आपको लगेज ट्रॉलीज मिल जाती हैं, जिसमें आप अपना सामान कैरी कर सकते हैं इनसाइड द एयरपोर्ट। ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है एयरपोर्ट की तरफ से। एयरपोर्ट की मेन गेट की एंट्रेंस के बाहर ही आपको सारे एयरलाइंस के काउंटर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी फैसिलिटीज़ बुक कर सकते हैं या फिर एमरजेंसी में टिकट भी परचेज कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे ही आपको चेक इन काउंटर्स की डिटेल मिल जाती है और उसमें एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको कोई सी ऑफ करने आया है तो वो इन मेन गेट्स के अंदर नहीं जा सकता, बट आप उनको यहाँ ट्रीट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूड और ड्रिंक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत सारे छोटे छोटे फूड कियोस्क भी बने हुए हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना पड़ता है और अपना टेम्परेचर चेक करवाना पड़ता है। इन गेट में एंट्रेंस के लिए आपको अपना बोर्डिंग पास या टिकट दिखानी होती है, उसका प्रिंटआउट या फिर मोबाइल में भी दिखा सकते हैं आप, और साथ ही साथ एक आईडी कार्ड शो करना पड़ता है। आप जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको ये नज़ारा देखने मिलता है, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बोर्ड्स मिल जाते हैं, जिस इंफॉर्मेशन बोर्ड्स पे आपकी फ़्लाइट की डिटेल्स पूरी अवेलेबल होती है, उनका स्टेटस, वो किस काउंटर पे आपको चेक इन लगेज देना है, उस सब की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही है और इंफॉर्मेटिव भी। प्लीज़ मेरे चैनल को नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थम्स अप क्लिक करके लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अपने फ्लाइट टाइम से 4 से 5 घंटे पहले आके एयरपोर्ट पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, आपको यहाँ पे वाईफाई, एटीएम और बहुत सारी चार्जिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर काफ़ी सारी फूड और ड्रिंक की वेंडिंग मशीन्स और इवन रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, जिसमें जाके आप अपने हिसाब से अपने लिए कुछ भी खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये बैंगलोर एयरपोर्ट काफ़ी क्लीन और काफ़ी साफ रखा गया है और काफ़ी सुंदर भी है। यहाँ पे आपको अगर व्हीलचेयर की फैसिलिटी लेनी है अपने बुज़ुर्गों के लिए तो वो भी आप अपने एयरलाइन को बोल के अवेल कर सकते हैं। ये आप जब वेब चेक इन कर रहे हैं तो प्री बुक भी कर सकते हैं वेब चेक इन करते हुए अपने घर पे बैठे बैठे ही, और अगर आपने नहीं किया है तो आप एयरपोर्ट पे आके इनके काउंटर्स पे जाके भी ये फैसिलिटी फ्री में अवेल कर सकते हैं। पब्लिक की फैसिलिटी और टाइम सेव करने के लिए एयरपोर्ट ने सेल्फ चेक इन काउंटर्स इंस्टॉल किए हैं एयरपोर्ट के अंदर ही। इन काउंटर्स पर जाके आप अपना बोर्डिंग पास और इवन लगेज टैग भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको बस इस मशीन के अंदर अपनी एयरलाइन को क्लिक करना है और अपना पीएनआर नंबर पंच करना है, जिसके थ्रू आपका लगेज टैग प्रिंट होके आपके हाथ में आ जाता है। साथ ही साथ आप दूसरी कमांड देके बोर्डिंग पास भी प्रिंट कर सकते हैं। बोर्डिंग पास प्रिंट करते ही आप अपने एयरलाइन के चेक इन ड्रॉप बैगेज के काउंटर पे जा सकते हैं और अपना बैगेज ड्रॉप वहाँ पे कर सकते हैं।
बैगेज ड्रॉप के सारे काउंटर्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है। सिक्योरिटी सेक्शन में जाके आपको अपना बोर्डिंग पास और आईडी कार्ड शो करना होता है सिक्योरिटी को, और वो आपको एंट्रेंस दे देते हैं। उसके बाद आपको अपना सारा हैंड लगेज ट्रेस के अंदर रखना होता है जो कि फ्रिस्क होता है, और आपकी फिजिकल फ्रिस्किंग भी की जाती है सिक्योरिटी के थ्रू। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ड्यू टू कोविड। जैसे ही आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाता है उसके बाद आपकी लाइफ एकदम मस्त हो जाती है और आप काफ़ी रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसी बात पे अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर के सेक्शन में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फूड और शॉपिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है। बट ये दिखाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और इस वीडियो को थम्स अप क्लिक करके लाइक करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें। ये बैंगलोर एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया है। मैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे गया हूँ बट ये एयरपोर्ट मुझे उनके लेवल का लग रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड्स के काउंटर्स मिल जाते हैं, और बहुत सारी एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी आपको यहाँ एयरपोर्ट पर मिल जाती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब है तो ड्यूटी फ्री ही। अपनी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन आप बार बार चेक करते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन की चेंजेस होते रहते हैं और कई एयरपोर्ट्स पे अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन बोर्ड चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पे आपके सिटिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपकी फ़्लाइट डिले है या फिर आप जल्दी आ गए हैं तो आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ की शॉपिंग ड्यूटी फ्री होती है बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी कॉस्टली लगती है मुझे इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ऑल्दो ये आपको एक शॉपिंग मॉल की तरह लगता है पूरा एरिया, जहाँ पे आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं जो आपको शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी मिल जाते हैं। आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ से कुछ अपने परिजनों के लिए कुछ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप फूड के भी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं और इवन अपने साथ कैरी कर सकते हैं फ़्लाइट में, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बैंगलोर एयरपोर्ट पे ही BLR डोमेस्टिक लाउंज अवेलेबल है, जिसकी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग अराउंड 1200 रुपीस होती है फूड और एंट्री के लिए, बट अगर आपके पास ट्रैवल कार्ड्स हैं या फिर रिगैलिया HDFC कार्ड है तो आप इसमें एंट्रेंस फ्री में ले सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने एक अलग वीडियो में बनाई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये लाउंज 2 रुपये में एक्सेस करना है तो उसकी डिटेल्स मेरी उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, और इसमें फ़ूड के क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर, उसकी फुल डिटेल भी मैंने प्रोवाइड की हुई है। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई और डाउट्स हों तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। कोविड को ध्यान में रखते हुए हर एयरलाइन आजकल आपको एक सेफ्टी किट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर ये एक फेस शील्ड अवेलेबल होती है, फेस मास्क अवेलेबल होता है और हैंड सैनिटाइजर्स अवेलेबल होते हैं। इस शील्ड के आगे पीछे एक कवर लगा होता है जो आपको हटाना होता है, और उसके बाद अपने फेस पे ये शील्ड पहननी होती है इस तरह से। ये सब प्रिकॉशंस लेने के बाद आप अपनी एंट्री ले सकते हैं अपने एयरपोर्ट के गेट के अंदर से। यहाँ से आपको या तो डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं अपनी एयरलाइन के लिए, या फिर आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है अपने एरोप्लेन के अंदर। अपनी सेफ्टी किट का पूरा उपयोग करें। अगर आप अपना मास्क कैरी कर रहे हैं तो खुद भी लगा सकते हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए हर एयरलाइन ने अपने अपने प्रिकॉशंस लिए हैं एज़ पर द एयरपोर्ट गाइडलाइंस, जो आप सबको फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे 3 सीट्स होती हैं। मिडल वाली सीट पे अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको PPE किट भी पहननी पड़ती है अपने सेफ्टी किट के साथ साथ। मैं हमेशा लकी रहा हूँ कि मेरे मिड वाली सीट हमेशा खाली रही है। अपनी सीट पर बैठ के आपको सीट बेल्ट लगानी होती है,
विंडो शेड ओपन करना होता है, और आप चाहें तो ये सेफ्टी किट हर सेक्शन में प्रोवाइड की गई है, हर सीट के आगे आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराई गई है, पिक्चर फॉर्म में भी, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो अगली वीडियो क्लिक देखें जिसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है। We are truly elated to have you on board with us today. For IndiGo, your well-being is our highest priority, and our aircraft are thoroughly sanitized before every flight. Given the current health situation, we request you to take safety precautions for yourself and your co-passengers by keeping your face mask and face shield on at all times and remain seated throughout the flight. Our cabin crew are always here for your safety. Thank you. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।